गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं आज हूँ यहाँ KTM में। आपको बाहर का नज़ारा थोड़ा सा दिखा दूँ। मैं छत में आया हूँ और इट्स वंडरफुल, इट्स ऑसम, बहुत सुंदर है। थोड़ा सा बाहर के छत से थोड़ा बहुत नज़ारा दिखा देते हैं। देखो सारा पहाड़ से ढका, घेरा हुआ है। काठमांडू जो है ना, चारों ओर से घेरा हुआ है पहाड़ से। वहाँ से चारों तरफ देख सकते हो पहाड़। बड़ा मज़ा है ना, सुंदर है ना। धूप आँख में लगने की वजह से कैमरा में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, तो आज हम जा रहे हैं सभी फैमिली वाला वहाँ पे, बोले तो मनाष्टमी में, जो मैं कल गए थे ना, आपको ट्यूब भी कंटिन्यू जो लिख के रखा हुआ था वो आज पूरा करेगा। आज मठ में जाएगा और पूजा पाठ करेगा वहाँ पे। पूजा पाठ करेगा इन द सेंस, मैं एक बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट होने के नाते अभी मैंने रिसेंटली शादी किया था 1 साल पहले। उसके बाद अभी मेरा एक बेबी भी हुआ है ना, एक क्यूट सा प्रिंसेस हुआ है भगवान की दुआ से। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि शादी में कोई क्या कहते हैं वो जानवर को मार की पार्टी वगैरह करना, उस पर मैं यकीन नहीं रखता हूँ। तो मेरा सोच क्या है बोलने से, मैं चाहता हूँ कि बदले में लोगों को क्या जानवर को मार की पार्टी देने के बजाय गुनपा में जाओ या फिर किसी गरीब को मदद करो। तो गुनपा में जाएंगे, गुनपा में क्या मदद कर सकूँगा, कुछ मदद तो नहीं कर सकेगा। हालाँकि ये मेरा फ़र्ज़ है वहाँ जा के कुछ करने के लिए। क्यों बोलने से, मैं खुद गुनपा में पढ़ाई किया लगभग 7-8 साल, तो कुछ तो मेरा भी जिम्मेदार बनता है। हालांकि मैं आज और अभी बोलूँ या इतना स्थिति नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ गुनपा के लिए, लेकिन मेरा छोटा सा एंजल यानी मेरा प्रिंसेस के लिए एक छोटा सा पूजा पाठ रखते हैं और वहाँ में मैं खुद भी शामिल होगा और सारा फैमिली को लेके जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग मज़ा आने वाला है। चलो मिलते हैं, अंदर से जाके एक्सप्लोर करते हैं अपना मोनास्ट्री का। आपको दिखाते हैं जिस गुनपा में मैं पढ़ाई किया था पहले, है ना, और वहाँ के भाई लोग से भी मिलते हैं और अपना परिवार से भी मिलाऊंगा। सो दिस ब्लॉग गोना बी क्रेजी मैन, सी यू। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी गुनपा के लिए फैमिली के साथ। मेरे साथ बहन है, से हाय। वैसे तो मम्मी भी जाने की बात थी, भाई भी जाने के बाद था, पर कोई आया नहीं। वो ऑलरेडी वहाँ करे बसूँ या भाई पछरे बसूँ ला रेडी संगा वीडियो बनाओ दिस वे। हम घर से तो निकल गए अभी गुनपा पहुंचने के बाद, बाकी वीडियो वहां से शुरू करते हैं क्योंकि रास्ता मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, राइट। कल पठाव से गया था लेकिन आज जा रहा हूं बाय टैक्सी। तो ये गुनपा है जहां मैंने पढ़ाई किया, इसका नाम पुंजो चुलिंग, जिसे आपको पहले बताया था मैंने, और वो है हॉस्टल। अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाएगा, ठीक है। और ये है क्लिनिक, हम लोगों का टीचर है, ये दोस्त का टीचर। ये है सिंगे, ये है गेलिंगिमा। अपना इंटर खुद दो यार, आपका नाम? मेरा नाम गेलिंगिमा है। गेलिंगिमा, और ये इसका नाम क्या है? गेले घेसी। अच्छा गेलों, गेलों तो कर लिया ना आप लोग ने। खेम्बो, हाँ हाँ जानते छो रे, हाँ आई ना। तो पहले छांज लोग बस जाओ, खेम्बो बस जाओ, छांज लोग पास जाएगा। चल हाँ ठीक, हम भी ऊपर ही जाना है। चल कोई बात नहीं, फिर तो हाँ खाना बनाना है। किसके लिए? हाँ आई ना, आई एम ब्लेस्ड कसम से, फिर से दोबारा यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लगभग 7-8 साल पढ़ाई किया था और हम लोग ही थे साथ में पढ़ने वाला, बदमाश करने वाला। कितना बदमाश था ना, है ना। एक्शन में खेल, वो शाम को 3 बजे जो पूजा करते वो हो गया, ठेंजो हो गया, हो गया ना, हम थोड़ा जल्दी आ गया मतलब। इसीलिए ठेंजो कर सर, पहिले म हुँदा यहाँ यो मात्र थियो नि, यो गुम्बा मात्र थियो होइन, यो र त्यो मात्र थियो, अहिले त हेर्नु यस्तो ठुलो बनाउँछ यहाँ। अँ यो थियो, यो थियो, अँ यो के भन्छ होस्टेल टाइपको र लन्च टाइपको जुन प्यारेन्ट्सहरू आयो भने। अरे सङ्गी सर, सङ्गी मानि कहाँ यहाँका, ओहो हो, अब यहाँ त पिताजी ने बोलने के बाद आया था। तो ये जो है आपका क्या कहते हैं बटरलैम हाउस है, पहले नहीं थे, अभी नया बनाया है बटरलैम हाउस। ये तो पहले से था, ये तो, और ये बनाया है नया, बहुत शानदार बनाया है। कल मैं यहाँ आया था ना
तो देखा दोस्त ने बताया था कि जेपा चुंगी बनाया हुआ है। हालांकि जेपा चुंगी का अर्थ जानते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वो रिलेटेड है आपका सांगे चमदन दे से, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत एक्सप्लेनेशन करूँ। कभी दिन पढ़ के समझ के बताऊँगा। अनुस अनुस एक चीज में वीडियो बनाओ, मजा लें। थैंक यू संगी वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू। सुपर यार मैन, व्यू देखो, व्यू है ना खुद दाम है। ये क्या करने के लिए? अच्छा 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 यस भाई नहीं का। सो बैग यहाँ रखते हैं और इसे भी यहाँ रख देते हैं। कुछ ना कुछ ना कुछ नहीं रखो, कुछ ना किचन रखेगा, सुझ हम रख देते। चलो हम रखे थे वो पकड़ो भाई, जूता खोला है। हाँ भाई यहाँ रख देते हैं। ओ माय गॉड, ओहो टच दिले भाई, टच दिले यार। इसको कहाँ रखे? इधर रखे। देखो इम्बे, इसका नाम क्या था? तुझे गिले तुझे टेम्बर जैसे। माय गॉड बहुत शानदार बनाया यार। सबसे बढ़िया तो यहाँ से व्यू देखो भाई, व्यू। ओ माय गॉड ये देखो सारा केटीएम का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। शंभू को मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ वो कोना में शंभू है, उसको मैं जूम करता हूँ, जूम इन करते हैं। ये देखो आपको नज़र आ रहा है, वो है शंभू। मैं वहाँ भी जाके आपको वीडियो बना के दिखाते हैं। इतना शानदार यार। और वहाँ में है वाइट गुम्पा, जबकि कल परसों टाइम मिलने से जाएगा, नहीं मिलने से क्या करेगा बाद में। वो यहाँ वेट कर रहा है छांजला आने का। छांजला बोलने से जो रिम्बुचे के नीचे हम लोग का बोलने से तो एक मेन गुरु, सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुरु है रिम्बुचे, जो कि फाउंडर ऑफ दिस मोनास्ट्री। मोनास्ट्री के नाम मैंने आपको बताया है फुनचोक छोलिंग। यहाँ पे मेरा जैसे कई लोग पढ़ाई कर रहा है इंडिया नेपाल हर जगह से, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, इंडियन को आना नेपाली को नहीं आना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर कोई नेशनलिटी पढ़ाई करता है साथ में। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग एक माँ पिता जी का बेटा बेटी नहीं है, फिर भी हम लोग अंदर जो बॉन्डिंग है वो बाय बाय का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है जो रिम्बुचे जैसे हो गया, छांजला जैसे हो गया, उन लोगों की वजह से। उन लोगों का प्यार और उन लोगों का जो करियर है वही हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सो आज वही उसी चीज़ ने बांध के हमें यहाँ तक ले आया। हालांकि मैं दुबई में रहता हूँ, आमतौर पर क्या रहता है हम लोग देखो जो स्कूल में पढ़ने वाला मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने वाला क्या होता है, कॉलेज ग्रेजुएट हो जाता है, वो लोग सब अपना अपना जगह चला जाता है। शायद वो लाइफ में दोबारा गुरु के उस कॉलेज में ही पहुँचता होगा, शायद ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोग जो हैं शायद हमें 3 साल या 10 साल जितना भी स्पेंड किया है टाइम, जब कभी मौका मिलता था हम यहाँ गैदर होने के लिए आते हैं एक दूसरे को मिलने के लिए। और इसका एक ही रीज़न है रिम्बुचे छांजला लोग और उन लोगों का प्यार। सो मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए छांजला लोग एक बार जैसे करेगा फिर यहाँ से गुम्बा थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कराएगा। बस थैंक यू, इतना ही इन्फॉर्मेशन है हमारे 11 गुम्बा। माय गॉड क्या शानदार है यार। ओहो ऑसम आउटस्टैंडिंग मैन, मस्त है यार। पहले जब मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो यही गुनपा था एक, उसके बाद बना वो वाला हॉस्टल्स जहाँ पे हम लोग रह रहते हैं, उसके बाद अभी ये बना और ये इतना शानदार बना है कसम से लाजवाब है। यहाँ से देखो केटीएम का पूरा व्यू नज़र आता है यार। वाओ वाओ केटीएम को सारा, केटीएम बोले तो काठमांडू जो कि नेपाल का सिटी है, ऑसम यहाँ से पूरा नज़र आता है। देखो कितना बढ़िया लगता है, दामी यार कसम से बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी यहाँ आते ना अपना बचपन का जो याद है वो फ्रेश हो जाता है यार। हम लोग वहाँ फुटबॉल खेला करता था, वहाँ खेला करता था, रिम्बुचे आते वो ड्राइंग्स वगैरह बनाते थे। कभी भूल नहीं पाएंगे, नेवर यार कभी नहीं। पहले वो गुम्पा गुम्पा इतना बड़ा लगता था, अभी हम लोग गुम्पा देखे तो छोटा लगने लगा यार। हाँ बना रहे थे ना उस साइड, इतना बड़ा बना बा। हाँ यार उन्होंने तो जिंदा खतरा है ना फिर।
नाम यार। अब उस जगह देखिए, देखो गाइस आपको दिखाएगा मैं, ये जो मेडिकल है जिसको क्लिनिक बोलते हैं, मेडिकल नहीं बोल सकते, क्लिनिक फास्ट एड्स वगैरह के लिए। पहले जब मैं यहाँ था मंग छोड़ने के बाद, यहाँ कुछ साल एक दो साल मैं यहाँ काम कर रहा था गुम्बा में, उस वक्त मैं यहाँ रहता था। उस वक्त इतना शानदार नहीं बना था, अभी इतना शानदार बना गया। वो रहा स्वयंभू, स्वयंभूनाथ। हाँ टाइम लगेगा तो मैं आपको वहाँ भी लेकर जाऊँगा। इसमें लेंस नहीं लगाया तो ज़्यादा जूम नहीं होगा, लेकिन ठीक ही होता है लगभग। स्वयंभूनाथ वहाँ का एक चीज़ नहीं भूल सकते कभी भी, बांदर इतना पीछा पड़ जाता है आपको। मठ के अंदर बहुत बुद्ध भगवान का, बहुत सारा भगवान का जो है मूर्ति है वहाँ में, स्टेचूस है यहाँ से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुम्बा के अंदर, आपको लेके चलते हैं। तब तेने डोसा अरे दे दो दे। ओ माय गॉड, वाह इतना शानदार बना दे यार। ओ मन सोचे यहाँ परफेक्ट है ना, मतलब दर्शकों आपको बता दूं, ये जो फुलचुक छुलिंग मनस्वी है, अभी जब जितना भी आपको मैंने दिखाया, उसका फाउंडर हमारा कोसो रिम्बुचे नवां सोना तंजिन गेले ग्याचो है, जो कि फिलहाल का जैसे कि हमारा गेलुक में कुछ माना जाता है, कुछ सीरियल वाइज होता है। पहले दलाईलामा जी आते हैं, उसके बाद कंदन ठिपा आता है, फिर जाम्बा चोके छापा चोचे जी ऐसे आते हैं। तो उनमें से हमारा जो रिम्बुचे है कोसो रिम्बुचे जो है जाम्बा चोके में है। सो हम ये भी उम्मीद करेंगे आने वाले समय में कंदन ठिपा चुशी करें और हम यहाँ के दर्शन कर पाएँ। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम उनका चेला है। और आपको दिखाएं, ये है नवां सोना तंजिन गेले ग्याचो यानी हमारे मुझे। और उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे चैनल में बने रहने से आने वाला समय में आप सबको दर्शन भी दिलाऊंगा। हालांकि फ़िलहाल तो अरे मुझे यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है इंडिया में। और बाकी नज़र आप देखो, ये है दलाई लामा। उम्मीद करते हैं यदि आप एक बुद्धिस्ट हो तो डेफिनेटली इनको जानता होगा। ही इज़ दी ओशंस ऑफ लव एंड कम्पेशन, मतलब इनका जो नेचर है वो प्यार भरा है। और क्या कहते हैं प्यार, मतलब कम्पेशन बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, दया, दया प्यार, इससे भरा हुआ एक जीता जाता जीता जगता भगवान है। मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थैंक यू। बाकी हमारा रिम्बुचे हैं और ये हैं जो आपको इसमें फ़ोटो में नज़र आ रहा है, हम टिबेटन लैंग्वेज में इसको कहते हैं काथंगा, मगर एग्जैक्टली इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं शायद मुझे नहीं पता। एनी हाउ इसको वो कह सकते हैं, एक इमेज कह सकते हैं है ना इंग्लिश में। और जो भगवान है उसको बोलते हैं, जिसको आप बुद्ध भगवान के नाम से जानते हैं, हम टिबेटन में कहते हैं सांजी चोमदेंदे। एक छोटा सा एक्सप्लेन दे दूँ, सांजी का मतलब होता है जो हिंदी में कैसे बोलेगा, टिबेटन में चिन थम चे सेवा यन थम चे देवाला सांजे वैसे रेस ऐश, याद है मुझे अभी कुछ कुछ शब्द। और ये हमारा चंद्रजी है, चंद्रजी का एक श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। छा तुम खुद लोग जीवे गेल पौधा चंदुम क्या हुआ संभव संगीत गाना गांध दे दे तुम बच्चे बच्चे ने चिल्ला छा सालो, मतलब थोड़ा आ गया हाथ में आ रहा है। ये जो मैंने अभी पढ़ा था ये उनको अप्रिशिएशन किया है जो है चंद्रजी, जो आपको नज़र आ रहा हुआ यहाँ चंद्रजी। ये चंद्रजी वो भगवान है जिनको हर एक सुख क्या था सुख प्राप्त होने के बावजूद भी हम इंसान के दुख तकलीफ को देख के वो फिर दुनिया में आए हैं, बहुत सारा वो क्या कहते अवतार लेके। तो इनसे ऐसा कोई चीज़ नहीं छुपा है जो तकलीफ़ बोलो दुख बोलो है ना, इसलिए इनके पास हज़ारों लाखों आँखें हैं, लाखों हाथ पैर हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने अभी कहा था कि छातोंग चिंतोंग, मतलब छातोंग मतलब हाथ को बोलते हैं, हाथ जो रेस्पेक्ट वर्ड्स होते हैं उसको छा कहते हैं, अदरवाइज लाखपा भी बोलते हैं टिबेटन लैंग्वेज में, तो रेस्पेक्ट वर्ड में छा होता है छातोंग चिंतोंग, मतलब चिन आँख। जैसे देख सकते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा क्योंकि शायद गलत बोलेगा तो पाप लगेगा मुझे। इतना मैं शायद जो कहा अभी तक राइट है मुझे ऐसे लगता है एज पर माई नॉलेज। ये हैं डोमा प्रसाद,
प्रसाद, ये प्रसाद है लेकिन इंसान नहीं खा सकता, ये भगवान ही जैसे करते हैं, मतलब भगवान ही उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। ये है आपका पेचा, जिसे टेक्स्ट बुक भी कहते हैं या स्क्रिप्चर बुक भी कहते हैं, हम तिबारन में इसको पेचा कहते हैं। और दूसरा यहाँ में हमारा रिम्बुचे है, मैं नहीं जानता कौन है। आप सबको एक बात बता दें, फिलहाल जो है ये जो समय है ना, इसको कहते हैं लाभाव दुचिन, यानी जो भगवान है वो संसार में बस आया है, ऐसा कहते हैं। मेरा हिंदी शुद्ध नहीं है, बस अर्थ ये है कि जो भगवान है वो अर्थ में प्रधार किया, प्रेजेंट हुआ है इस समय में, जिसको कहते हैं लाभाव दुचिन, तो उसी का प्रिपरेशन में है सब। तो भगवान आया है तो उसको ऑब्वियसली वेलकम करेंगे, राइट। तो उनके लिए जो बहुत सारा प्रसाद बना रखा है और पूजा पाठ चल रहा है। सो आज का पार्ट ऑलरेडी कर चुका है, मैं ऑलरेडी लेट हुआ है, तो कल के पार्ट में मैं भी कोशिश करेगा यहाँ पर आने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए अपने तरफ से। देन पूजा पाठ का जो भी कार्यक्रम है वो मैं कल दिखाऊंगा। आज का जर्नी इतना था, वहाँ से यहाँ आया, गुरु को मिला और गुनपा देखा, मज़ा लगा। उम्मीद करते हैं यही आपको भी अच्छा लगा होगा, और बने रहिए कल के वीडियो में। कल के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो लाभाव दुचिन यानी क्या कहते हैं आपका भगवान जो इस संसार में जो प्रार्थना किया उस पर क्या करते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो भी मैं कल आपको दिखाऊंगा फुली। सो गाइस थैंक यू बीइंग विद मी एंड लव यू फ्रॉम जीएस प्रोमो। See you. Bye-bye.